अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करें साइकोलॉजी। और इसमें हम कवर करेंगे बेसिकली सीएसएस का सिलेबस, लेकिन अगर आप पीएमएस कर रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमने डेफिनेशन देखनी है, साइकोलॉजी एज अ साइंस है या नहीं वो देखेंगे, स्कूल्स ऑफ थाट क्या हैं, इसमें परस्पेक्टिव्स क्या होते हैं साइकोलॉजी के, इसका स्कोप क्या है, इसके मॉडल्स क्या हैं और इसके रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, तो आज हम ये कवर करेंगे। अगर आपने कुछ इसमें से स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप वीडियो को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, साइको और लोगोस। साइको का मतलब होता है कि आपके पास सोल, साइको सोल, और लॉजी यानी लोगोस उसका मतलब होता है रिसर्च या स्टडी करना। स्टडी ऑफ सोल जो है वो साइकोलॉजी है। अगर हम क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर हम इसकी देखें हिस्ट्री, तो एग्जैक्ट जो है साइकोलॉजी की हिस्ट्री हमें नहीं पता, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत 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 पुरानी है। हमें जो है इसकी मॉडर्न हिस्ट्री बताएं। अगर हम देखें कि साइकोलॉजी कहाँ से आया, साइकोलॉजी फ़िलोसफी से आया, मेंटल फ़िलोसफी का पार्ट है। जैसे हमारे बहुत से सब्जेक्ट्स आए हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारी साइंस सब वहीं से आ रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी भी वहीं से आया है। ये फ़िलासफ़ी का पार्ट थी। और जब हमने स्टार्ट किया यानी इसका नया नया ट्रेंड शुरू हुआ, तो इसे हम कहते थे, इसकी एक डेफिनेशन थी स्टडी ऑफ अ सोल। उसके बाद फिर से इसमें एडवांसमेंट हुई तो सेकंड स्टेज आई, जिसमें हमने इसको कहा स्टडी ऑफ अ माइंड, सोल नहीं माइंड की स्टडी होती है। फिर और एडवांसमेंट हुई, स्टडी हुई, तो उसके बाद एक थर्ड स्टेज आई जिसमें हमने डेफिनेशन दी कि स्टडी फॉर कॉन्शियस बिहेवियर, यानी जो आप बाहर एक बिहेवियर कर रहे हो वो आपकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो हमारी क्या है, साइकोलॉजी है। ये थर्ड स्टेज थी। उसके बाद फिर से एडवांसमेंट हुई, फिर फोर्थ स्टेज आई जिसमें हमने क्या कहा कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, जो इंटरनल बिहेवियर भी एक्सटर्नल में दोनों इंक्लूड थे, तो उसको हमने क्या कहा कि ये है स्टडी, इसकी फोर्थ स्टेज है स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस क्या है साइकोलॉजी। अभी हमारे पास रिसेंट और डेफिनेशंस भी अवेलेबल हैं कि साइंस एंड द प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट, यानी साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंस एंड प्रॉपरली ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट at least a practitioner who uses scientific method and information resulting from scientific investigations। ये हमारे मन ने दी थी, ये डेफिनेशन हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी थी साइकोलॉजी की। हमारे पास जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है साइकोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशंस आ रही हैं। और इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर क्या है, आउटवर्ड यानी कि जो बज़ाहिर एक बंदे को ज़ाहिर चीज़ होती है वो बिहेवियर होती है, वो एक्शन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, इनवर्ड जो अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को थप्पड़ लगाया तो वो बज़ाहिर आपका बिहेवियर है, लेकिन अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो वो आपका मेंटल प्रोसेसेस है। आप बाहर किसी को थप्पड़ लगा रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि आप बुरा कर रहे हो उसके साथ, लेकिन अगर आप बुरा अंदर सोच रहे हो तो किसी को पता नहीं लग रहा, तो ये डिफरेंस है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, तो हम ये कह रहे हैं साइकोलॉजी इज़ अ साइंस है या नहीं है। किसी भी चीज़ को साइंस कहने के लिए हमें फोर उसके मेथड्स देखने पड़ते हैं कि उसकी थ्योरी बनाई जाए, एक मतलब आपके पास एक ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, फिर उसका रिजल्ट्स हो, इस तरीके से हम कहते हैं। तो इसमें हम एम्पिरिकल अप्रोच यूज़ करते हैं। अब पूरी साइकोलॉजी को हम साइंस नहीं कह सकते, लेकिन हम साइकोलॉजी को साइंस की तरफ लेके चल पड़े हुए हैं, और हमारे पास बहुत सा साइंटिफिक मेथड है और हमारे पास साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं जिसकी बेस पे हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस लेते हैं कि साइकोलॉजी हमारी साइंस ही है। लेकिन हमारे पास जो प्रीवियस ऐसी स्टडीज़ भी रही हैं जो कि साइंटिफिक नहीं थी और वो कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, तो पिछला मटेरियल जो था वो इतना नहीं था वैलिड, लेकिन जैसे जैसे हम अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच यूज़ कर रहे हैं हम उतने फैक्ट्स और फिगर्स की तरफ आ रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छी रिसर्च आ रही है और हमारे पास बहुत अच्छा डेटा आ रहा है, यानी कि जो हम बता सकते हैं कि ये चीज़ करेक्ट है, वैलिड और रिलायबल चीज़ें सामने आ रही हैं। ये बेसिकली जो एम्पिरिकल अप्रोच है ये एम्पिरिसिज्म से, एम्पिरिसिज्म क्या है, ये जॉन लॉक ने दी थी। इन्होंने कहा था कि हम जो जो कुछ भी अपना मतलब हमारा नॉलेज आता है वो आता है साइट हेयरिंग, यानी कि हर चीज़ जो हमें मिलती है वो किससे मिल रही होती है, ये हम लोग जो चीज़ देखते हैं सुनते हैं हर चीज़ हमें वैसे मिल रही है। इन्होंने पोस्ट किया था रैशनलिज्म के आइडिया को, जो कि कहते थे कि आपकी ये जो नॉलेज आती है वो पावर ऑफ रीजनिंग और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से आती है। इन्होंने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था। और हम लोग जो होता है एम्पिरिकल मेथड में बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस यूज़ करते हैं, यानी उसमें हम ऑब्जर्व भी करते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो जब साइंस यूज़ करेंगे तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशंस भी करनी पड़ेंगी और एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका हमें ये फ़ायदा है कि हमारे पास अनबायस्ड रिजल्ट आएगा और ऑब्जर्वेशंस जो फॉल्टी होने के चांसेस थे वो मिनिमम हो जाएंगे। अब जो साइकोलॉजी है उसमें हम लोगों ने क्या देखना होता है कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि इसमें मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर क्या चीज़ें हैं, बल्कि हमने हर एस्पेक्ट को फॉलो करना है, यानी कि इसमें हम लोगों ने कि लोग करते क्या
क्या है, सिर्फ ये नहीं देखना, बिहेवियर नहीं देखना, बल्कि ये भी देखना है कि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो कैसा फील करते हैं, कैसा परसीव करते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे रीजनिंग करते हैं, कैसे थॉट्स करते हैं। अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि ये सब भी तो इंटरनल है, लेकिन ये बहुत कुछ एक्सटर्नल भी हम कर रहे हैं। वो कैसे, मतलब कि इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, यानी एक सेरोटोनिन क्या होता है, एक बायोकेमिकल होता है जो कम हो जाएगा, यानी कि एक केमिकल आपके ब्लड में होगा, ये कम आपको मिलेगा। तो आप टेस्ट कर सकते हैं सेरोटोनिन काफ़ी और डिजीजेस में भी हो सकता है कम, लेकिन अगर हम डिप्रेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम सेरोटोनिन का लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा, आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेटा रिकॉर्ड करने के बाद आप बता सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल था, ऑब्जर्व किया, इनको डिप्रेशन था, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास किस तरह से, आपके पास डिफरेंट मशीन्स है जो आपके ड्रीम्स फॉलो करते हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉलो करते हैं, और आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल लेके जा सकते हैं। तो हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस लेते हैं। आपके पास साइंटिफिक मेथड के 4 प्रोसेसेस हैं, वही 4 प्रोसेसेस हम इधर अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी में। वो कौन से, कि सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं हमने डिप्रेशन को स्टडी करना है, मैं डिप्रेशन की एक स्टेटमेंट बना लेती हूँ कि रात को कम जो लोग सोते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये मैंने स्टेटमेंट बना ली। अब मैं क्या करूँगी, इसको फॉर्मुलेट करूंगी इसकी एक्सप्लेनेशन, कि ऐसा क्या है जो होता है, कि उनका ब्रेन लेवल पे क्या चीज़ें में चेंजेस आ रही हैं, उनके मूड में क्या चेंजेस, मतलब मैं इनको एसोसिएट करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ इंटरनली नहीं, बिहेवियरली भी, कि वो इस वजह से डिप्रेशन में क्या क्या चीज़ें आई, हर तरह से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। फिर मैं रिसर्च करूँगी, फिर मैं ऐसे कुछ लोग सेलेक्ट करूँगी जिनमें डिप्रेशन के डिफरेंट वेरिएबल्स, अब उनको ऑब्जर्व भी कर सकती हूँ कि मैं देखूँ कि वो ऐसे अगर रूटीन फॉलो करते हैं तो क्या होगा, या फिर मैं उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के दे सकती हूँ जिसमें मैं उनको डिफरेंट वेरिएबल प्रोवाइड कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि उनमें डिप्रेशन हुआ या नहीं हुआ, डिफरेंट चीज़ों से चेक कर सकती हूँ। उस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, जो आपकी फाइंडिंग्स आई हैं वो किसी और फाइंडिंग्स के साथ कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करी है, उस फाइंडिंग को सपोर्ट तो नहीं करी, तो आपका रिजल्ट वैलिड होने का, रिलायबल होने के उतने चांसेस हो जाते हैं। अब थ्योरीज और हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है कि आपने ये जो स्टेटमेंट बनाती है ना, एक प्रेडिक्शन, जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन बनाई कि हाँ मेरी प्रेडिक्शन ये है, हाइपोथेसिस ये है कि रात को सोने वाले जो कम सोते हैं उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस, ही मेरी हाइपोथेसिस थी। अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ठीक आ जाते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरी थ्योरी बन जाएगी, और अगर ये गलत हो जाते हैं तो मेरी हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। तो आपको बस एक स्टेटमेंट जो आती है, एक प्रेडिक्शन जो आती है, वो आपकी हाइपोथेसिस होती है। उसके बाद साइंटिफिक, तो हमने बात कर दी ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक कैसे है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस यूज़ करती है, यानी कि वो चीज़ें जो आप नेकेड आई से देख रहे हो, जो आप बाहर एक चीज़ को प्रूव कर पा रहे हो, क्योंकि जो अगर आप इंटरनल प्रोसेसेस की बात करो मेंटल की, वो आप देख नहीं पाते हो, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, आप हर चीज़ उसको अवेलेबल करा सकते हो, एक जो जो आप चाहते हो उसकी डाइट प्रॉपर हो या डाइट प्रॉपर ना हो, आप दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप थ्योरीज जो बनी है बन के आ गई हैं आप उनको भी टेस्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन आपको इंडक्शन की तरफ या रिडक्शन, यानी कि ऑब्जर्व किया, देखा, तो आपकी जो चीज़ आपने रिकमेंड की थी हाइपोथेसिस, वो ठीक भी हो सकती है या हो सकता है गलत भी हो जाए। और प्रैक्टिस जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, कि आपके पास डेफिनेटली प्रूफ होना चाहिए कि जो आपने किया है वो किसी मेथड के थ्रू किया है, वो किस तरीके से ठीक हुआ है। उसके बाद आपके पास हैं 4 गोल साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी बेसिकली हम कर ही क्यों रहे हैं, अगर आप इसको डेली लाइफ में अप्लाई करें तो साइकोलॉजी मेरे ख्याल से हर बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट डेली लाइफ के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, सिंपल से लेंगे, कैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर आपको गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आ रहा है, तो वॉट इज़ हैपनिंग, मुझे गुस्सा आ रहा है, और एक्सप्लेन करेंगे, पहले डिस्क्राइब करेंगे मेरी ये सिचुएशन है, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों है, अब वाई इज़ इट हैपनिंग। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे हाथ से किसी ने कोई चीज़ देख ली है तो मुझे गुस्सा आया, तो मैं फॉर एग्जाम्पल पानी का ग्लास लिए तो मुझे गुस्सा आ गया, तो प्रेडिक्ट करूँगी कि हाँ मेरे प्रेडिक्शन क्या है कि हाँ अगर पानी का ग्लास लिया है तो कोई और भी चीज़ मेरे हाथ से जाएगी तो मुझे गुस्सा आएगा, यानी कि ऐसी कोई चीज़ मेरी, यानी इमोशंस इतने स्टेबल नहीं है कि मेरे से कोई चीज़ चली जाए तो मुझे गुस्सा ना आए, तो मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट करूँगी कि ये मैं दोबारा कर सकती हूँ सूरत हाल में, इस सूरत हाल में नहीं कर सकती। फिर कंट्रोल क्या है कि हाँ अगर मैं इसको अब वेरिएबल्स को चेंज करूँ, शेयरिंग की आदत डालूँ तो क्या ये चेंज हो सकता है, या डिफरेंट एस्पेक्टिव्स देखूँ तो कैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। कंट्रोलिंग के बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, तो आप कैसे कैसे एक एक वेरिएबल को चेंज करके आप इस आदत को चेंज कर सकते हो। तो साइकोलॉजी आपको हर चीज़ की रीज़न करके देता है, पहले आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, मतलब कि हर चीज़ एक रीज़न के तहत होती है। आपकी लाइफ में जितने फिनोमिनाज हो रहे हैं खुद ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, आपकी थिंकिंग का प्रोसेस इवन जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, आप इसके पीछे चीज़ें हैं। अगर आप एक चीज़ को बार बार किसी चीज़ को करते जाओगे आप थिंकिंग प्रोसेस में लेके आते हो, वो अपने बिहेवियर में लेके आते हो, आप पूरे एक सिस्टम से चल रहे हो। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके दी है साइकोलॉजी की क्या है।
स्कोप में क्या आएगा, स्कोप में बेसिकली आएगा कि कितनी इसकी फील्ड्स हैं। फील्ड्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, मेनली प्योर है, अप्लाइड है। प्योर में क्या है, जनरल चीज़ें आते हैं, यानी थ्योरीज आ जाएंगी इसकी, क्या क्या हमारे डेफिनेशंस हैं, क्या हम करते हैं, रिसर्च कैसी है, क्या कुछ है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब प्योर साइकोलॉजी में जर्नल है, नॉर्मल है, सोशल है, एक्सपेरिमेंटल है, फिजियोलॉजिकल है, पैरा है और जियो है। अप्लाइड क्या होता है, अप्लाइड होता है जिसमें आप इम्प्लीमेंट करते हो सोसाइटी में, डिफरेंट फील्ड्स में आप अप्लाई करें, वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। जैसे कि आप एजुकेशनल सिस्टम में करोगे, एजुकेशनल क्लिनिकल में करोगे, आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया, डिफरेंट डिप्रेशन के, मूड स्विंग्स के आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपने लिखना है कि कैसे आप अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा लीगल साइकोलॉजी है, मिलिट्री है, पॉलिटिकल है, क्रिमिनल है, हर आप एस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो अपनी साइकोलॉजी को। ये आपकी फील्ड्स आ जाती हैं। फील्ड्स के बाद आपके पास है पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, पर्सपेक्टिव्स क्या हैं आपके व्यूज़ के, आप साइकोलॉजी को किस तरीके से देखते हो। अब इस भी क्या है, आपके पास पर्सपेक्टिव्स में आएगा कि एक साइकोलॉजी को किस किस नज़रिए से हम देख सकते हैं। हम कॉग्निटिव तरीके से देख सकते हैं साइकोलॉजी को। कॉग्निटिव क्या है, वो ये कहते हैं कि आपका जो कुछ बिहेवियर होता है वो आपके मेंटल फंक्शंस पे जो होता है एक्सप्लेन किया जाता है, यानी आपकी मेमोरी कैसी है, आप कैसे परसीव करते हो, कैसे अटेंशन उस चीज़ को देते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में क्या सोचा, कितना याद रखा और क्या पार्ट याद रखा, यानी आप मेंटल, आप कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो, वो कॉग्निटिव में अप्रोच में आता है, तो हम वैसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपने किसी सिचुएशन को देखना है कि अगर मुझे, जैसे हमने भी एग्जाम्पल एक गुस्सा आता है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि इसको हम मेंटल प्रोसेस करेंगे कि गुस्सा आना, यानी कि मेरी मेमोरी में क्या है, ये चीज़ स्टोरी नहीं है कि मैंने शेयरिंग पहले कभी सीखी हो, कभी ना सीखी हो, परसेप्शन क्या है कि मैंने ये परसीव किया हो कि जब आपसे कोई चीज़ छिन जाती है तो आपको गुस्सा आना चाहिए और ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। और टेंशन क्या है कि मैंने इस पर कभी गौर नहीं किया कि ये बिहेवियर ठीक है या गलत है, ये मैंने इस चीज़ को कभी नहीं किया, तो यानी कॉग्निटिव अप्रोच इस पर यूज़ की जाती है। सोशल कल्चर क्या है, सोशल कल्चर में ये है कि इन्वायरमेंट देखा जाएगा कि कितना इफेक्ट करता है, सिचुएशन कितनी इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी है कि अगर आप देखें कि एक डॉक्टर के पास, अगर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की बात की जाए, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जो होता है, स्पेशली वो लोग आते हैं जो कि उनको लगता है उन लोगों को जाना चाहिए जो कि डिजीज्ड वाले होंगे, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होगा, जिनको दिमागी मसला होगा, ये हमारे यहाँ एक सोची जाती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में चीज़ है। अगर लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हमें पता है कि साइकोलॉजी में सिर्फ वो लोग नहीं जाते, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी का लेना देना सिर्फ पागलों के साथ नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो, आप अपने डिप्रेशन के लिए, मूड स्विंग्स के लिए, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम जा रही है तो आप उसके काउंसलिंग के लिए यूज़ करते हो, आप हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सोशल कल्चर जो है, यानी कि आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, आपकी क्या सोच है, तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी क्या है, वो ये कहते हैं, बिहेवियरिस्ट जो थे वो ये कहते थे, क्योंकि ये भी हमारी एक स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी में, इसलिए इसका नज़रिया भी आता है। इसमें ये लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजी, आपका दिमाग जो होता है वो एम्प्टी होता है, आप जिंदगी में चीज़ें करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और फिर क्या होता है, उस करते जाने में आप उसी एक्सपीरियंसेस को सीखते चले जाते हो, वो लोग ये कहते हैं। उसके बाद क्या, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि आप फोकस करती है होल पर्सन पे, कि इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, यानी कि आप उसको पूरे रखो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहती है कि आप अगर इंसान को एक पार्ट पे फोकस करोगे, यानी सिर्फ दिमाग पे या सिर्फ बिहेवियर पे, तो आप इंसान के पूरा मतलब खो दोगे, उसकी सिचुएशन का पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को देखा किसी को थप्पड़ लगाते हुए, तो आप कहोगे कि अगर उसका मेंटल, इसके दिमाग में फतूर था, इसने इसलिए इसको थप्पड़ लगा दिया, आप इस तरीके देखोगे। तो अगर अगले को लगा है तो आप देखोगे कि उसको लगा है, उसका बिहेवियर ही ऐसा था, उसको करने की आदत थी, तो आप डिफरेंट देखोगे, एक पार्ट पे फोकस करोगे। ह्यूमनिस्टिक कहते थे कि आप पूरा देखो, कि हो सकता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसका सोशल एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट करो, नेगेटिव थॉट्स हो सकता है, उसका बिहेवियर डेवलप करने में ये कुछ हो, उसके घर में फैमिली इशूज़ हो, तो ये सब कुछ होता है, मतलब एक रिलेशनशिप बनाता है लोगों का, मतलब हर चीज़ से। तो वो ह्यूमनिस्टिक कहते थे कि ऐसा करूँ। साइकोडायनेमिक क्या है, हमारे जो साइको एनालिसिस जो है, जो न्यू अप्रोच है, वो इसी का मॉडर्न वर्जन है। ये बेसिकली फोकस करते हैं अनकॉन्शियस पे। अनकॉन्शियस एक बहुत अच्छी फील्ड है, और अगर आप इस पर्सपेक्टिव को देखो तो आप डेली लाइफ में देख सकते हो। वो कहते हैं कि आपका 90% जो होता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, आपकी डेली लाइफ को चला रहा होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, अगर आप कार ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, कुछ भी करते हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप बस वो कर लेते हो, आपको पता याद भी नहीं होता कि आपने कब की स्टार्ट, कब की, कब आपने गियर लगाया, कब आपने स्टेयरिंग पे हाथ रखा, आपको कुछ याद नहीं होता, फिर आप कर लेते हो, ऑटोमेटिक कर लेते हो। वो कहते हैं कि आप जब एक चीज़ को आप बार बार करते रहते हो, वो आपके सबकॉन्शियस में ऐसे फीड हो जाती है कि आप ऑटोमेटिक पे लग जाते हो, आप वो चीज़ अपने आप करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, कभी कभी आपके साथ हो जाता है, करना कॉन्शियसली चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी कभी कि आप
पढ़ लेते हो और आपको पता ही नहीं होता कि आपने पढ़ भी ली है, तो आप ऑटोमेटिक पे होते हो, आपकी कुछ रूटीन बनी होती है, आप वो काम अपने आप कर लेते हो, आप कहते हो ये तो मुझे पता ही नहीं मैंने कब की। तो ये है अनकॉन्शियस, ये आप डेली लाइफ में देखोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी। बायोलॉजिकल क्या अप्रोच क्या है, बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव ये कहते हैं कि इंसान के जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक, जो उनको विरासत में चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जैसे कि सिर्फ आपको कलर हाइट नहीं मिलती, आपको विरासत में आपके एटीट्यूड्स भी मिलते हैं, आपकी बहुत सी चीज़ें डिटर्मिन होती हैं, तो वो कहते हैं कि ये जीन्स जेनेटिक्स भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान के डेवलपमेंट में। तो ये अप्रोच हो गई। उसके बाद है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या, यही इश्यूज़ हैं कि आप जिस पर्सपेक्टिव से देखोगे आप उसको ठीक कहोगे और अगला आपको क्या होगा कॉन्ट्रोवर्सी में लगेगा। अब इसमें क्या है कि इंसान नेचर है का प्रोडक्ट है या नर्चर, यानी इंसान जैसे है वैसे ही बनाया गया, या जो वो उसको शुरू से उसकी ब्रॉटअप होता है वो उसको बनाता है, कॉन्शियसली वो बनता है या अनकॉन्शियसली। अब वो ऑब्जर्वेबल एक्शंस के थ्रू बनता है, यानी कि वो जो देख रहा है एक्सपीरियंस करते करते बन रहा है, या फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए बन रहा है। फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बात भी हमने की थी। फ्री विल क्या कि वो अपनी मर्जी से अपने चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कि हर चीज़ वो खुद कंट्रोल करेगा तो वो फ्री विल में आ जाएगा। डिटर्मिनिज्म क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है कि उसको वेरियल फैक्टर्स हैं, यानी कि एक जैसे कि उसकी मदर का इशू हो सकता है, उसकी मदर नहीं है तो वो एक उसके लिए डिटर्मिनेंट हो सकता है, उसकी सोसाइटी में उसको पनिशमेंट बहुत मिल रहा है वो उसके लिए डिटर्मिनेंट, मतलब डिफरेंट आपके फैक्टर्स सोसाइटी में अवेलेबल हैं, आपके इर्द गिर्द अवेलेबल है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेज हो सकते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल के डिफरेंसेज भी आपको बना सकते हैं, या एक यूनिवर्सल कोई प्रिंसिपल है। तो ये डिफरेंट आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती हैं। स्कूल्स ऑफ थॉट क्या है, अब ये स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे पास 7 हैं। अब सबसे पहले ये जो फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स थर्ड फोर्स दिखा हुआ, इसका ये मतलब है कि ये इन दिनों में सबसे पहले, मतलब साइकोलॉजी को लोग इतना नहीं जानते थे, तो जब ये बिहेवियरिज्म सबसे पहले आई थी फील्ड, जो बहुत फेमस हो गई, एकदम से हर बंदे की अटेंशन में आ गई कि यार ये कोई चीज़ है, इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इतना फेम इसने गेन किया था, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट वेव आई थी। सेकेंड फोर्स जो आई थी वो साइको एनालिसिस की आई थी, कि ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने फेम गेन किया। फिर थर्ड आई थी ह्यूमनिज्म की, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फेम को गेन किया था। अब ये काम तो सब लोग साथ कर रहे थे, लेकिन जिसकी जैसे रिसर्च हिट हुई, जो सबसे ज़्यादा लोगों के अटेंशन में, उस तरीके से इन्होंने फेम हासिल किया। स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले बात करते हैं क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म में आपको ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम वंट, और ये नाम आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये वो बंदा है 1879 में इसने जर्मनी में सबसे पहले एक लैब खोली, यानी कि इसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी तो बहुत अरसे से पहले भी की जा रही थी, लेकिन इस बंदे ने सबसे पहले एक स्कूल बनाया, यानी कि आप ये देखिए एक लैब बनाई, एक प्रॉपर प्लानिंग की कि साइकोलॉजी अब अच्छे लेवल पे की जाएगी। तो ये हमें फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी है। ये कहते थे, इनका ये मानना था कि आप जो होते स्टडी करते हो कंपोनेंट्स की ब्रेन की, वो कहते थे कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियस माइंड जो होता है, यानी जो आपका एक माइंड का स्ट्रक्चर है जो कैरी आउट कर रहा है, उसकी स्टडी को, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी को वो जो है वो ये लोग स्ट्रक्चरलिज्म लेके चलते थे। और इनकी स्टडी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया था एडवर्ड टिचनर ने, ये इन्हीं के स्टूडेंट थे, और इन्होंने कहा था कि हम एक्सपीरियंसेस को तीन तरह से मतलब कि ब्रेक डाउन करके एनालाइज कर सकते हैं, कि उसके फिजिकल सेंसेशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, और उसकी इमेज क्या है, वो कैसे मतलब कि उसके मेमरीज और ड्रीम्स जैसे सच आ जाते हैं। तो ये चीज़ें उसने फॉलो करवाई थी। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन के मेथड्स को यूज़ किया था, लेकिन इनकी भी स्टडी को क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि जब आप किसी को सेल्फ ऑब्जर्व करने पे लगाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो वो झूठ भी बोल सकता है, आप गलत भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये ज़्यादा रिलायबल और वैलिड नहीं थी और हर एस्पेक्ट को कवर नहीं कर रही थी। फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म ये है कि इसके प्रोपोनेंट थे विलियम जेम्स, इसके अलावा आपको जॉन डेवी और जेम कैटल का नाम भी याद होना चाहिए। विलियम जेम्स क्या है, विलियम जेम्स चार्ल्स डार्विन से बहुत इंस्पायर्ड थे, वो कहते थे कि फंक्शनल ये स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं ये मिसगाइडेड हैं। वो कहते थे कि इंसान का स्ट्रक्चर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका फंक्शन पढ़ो। वो कहते थे कि माइंड एक फ्लूइड की तरह है और फ्लूइड कभी स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। तो इसी तरीके से वो कहते थे कि आप इंसान के स्ट्रक्चर ना पढ़ो, उसकी हैबिट्स कुछ नहीं होती, ये देखो कि उसका फंक्शन कैसे है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, वो इस पे थे। स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे स्ट्रक्चर देखो, फंक्शनलिस्ट कहते थे फंक्शन देखो। हालांकि ये दोनों किस पे बात करें, ये दोनों ही करें इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे बात करें, यानी जो आप देख नहीं सक रहे हो या खुद अंदर हो रही है। इनका सबसे पहले क्या था फंक्शनलिस्ट, वो कहते थे माइंड कैसे ऑपरेट करता है ये देखो, और कैसे इंसान अडॉप्शन की तरफ जाता है वो देखो, ये लोग को कहते थे। इन्होंने क्वेश्चनेयर्स को यूज़ किया, फिजियोलॉजिकल मेजर्स यूज़ किए, मेंटल टास्क यूज़ किए, इंट्रोस्पेक्शन भी यूज़ की अपने मेथड्स में। उसके बाद है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या काम थे, इन्होंने सिगमंड फ्रॉयड का नाम आपने सुना होगा और इसको याद भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एरिक एरिक्सन, अल्फ्रेड एडलर,
इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने ना स्टडी करे थे हिप्नोसिस, उन्होंने तब फाउंड किया था कि अनकॉन्शियस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वाजे किया था ऐसी कोई चीज़ है। वो कहते थे कि इंसान का जो बिहेवियर है ना वो गवर्न होता है हिडन मोटिव्स और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, मतलब कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको अनकॉन्शियस जो डिज़ायर्स हैं वो आपका बिहेवियर गाइड कर रही हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि जो चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस होते हैं वही डिटरमिन करते हैं उनके एडल्ट पर्सनालिटी, यानी बच्चा जो बचपन में सीखेगा वही बड़े होकर बनेगा। इन्होंने कहा था कि आप मुझे डिफरेंट बच्चे दो तो मैंने कुछ भी बना सकता हूँ, ये इन्हीं की फेमस स्टेटमेंट है। और इसके अलावा लेकिन जो बाकी कुछ हमारे पास साइको एनालिस्ट थे वो इनकी कुछ थ्योरीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर जाते थे, लेकिन इनके बहुत से मतलब फॉलोअर्स थे, जिसमें अभी कैरन हॉटनी है, कार्ल जंग है और भी बहुत से हैं। इनकी स्टडी का यही था कि अनकॉन्शियस को पढ़ा जाए। इन्होंने ड्रीम एनालिसिस और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और फ्री एसोसिएशन के मेथड्स को फॉलो किया, लेकिन इनकी भी स्टडी में यही प्रॉब्लम थी जो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में की थी कि ये टेस्टेबल नहीं थे क्योंकि सब माइंड में थे। और इसके अलावा बिहेवियरिज्म आए। बिहेवियरिज्म क्या कहते थे कि वो कहते थे इंसान का दिमाग खाली है, वो कहते थे इंसान के दिमाग में ना आप कुछ भी नहीं है, आप जो एक्सपीरियंस में करते जाओगे वो अपने दिमाग में फील करते जाओगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम है वो जॉन बी वैटसन है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये फिनोमेना जो था इसको इंट्रोड्यूस कराया। इवान पावलोव थे इन्हीं दौरान वहीं 1904 में जिन्होंने जिनकी स्टडी को नोबेल प्राइज़ मिला था, ये हमें याद होना चाहिए। इवान पावलोव पहले वो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, हालाँकि इवान पावलोव जो थे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक बायोलॉजिस्ट कह लें या साइंटिस्ट कह लें, वो साइंटिस्ट थे, लेकिन इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके अलावा बी.एफ. स्किनर, टॉलमैन हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने बिहेवियरिज्म पे बहुत से स्टडीज़ दी हैं, स्पेशली लर्निंग पे। लर्निंग हमने जब टॉपिक पढ़ना है उसमें इनकी बहुत ज़्यादा थेरीज आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम में याद होने चाहिए। स्टडी इनकी यही थी कि ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है, जो देख सक रहे हो वो स्टडी करो, जो नहीं देख सक रहे उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, उसको ना स्टडी कर सकेंगे ना ही उसको टेस्ट कर सकेंगे, इनका ये मानना था। लेकिन बहुत से ऐसे एस्पेक्ट थे जो ये भी कवर नहीं कर सके थे। उसके बाद आए जी गेस्टालिज्म। गेस्टालिज्म क्या है, इनको मैक्स वर्डीमर जो थे उन्होंने प्रपोज़ किया, और वो कहते थे इन्होंने बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म के रिस्पांस में ये दी थी थ्योरी, वो कहते थे इंसान को एज अ होल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एज अ होल ट्रीट नहीं करोगे तो इंसान का जो असली मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा, वो ये कहते थे। और उसके बाद इनके सपोर्टर्स थे कर्ट कॉफलर, वॉल्फगैंग कोहलर, कर्ट लेविन, वो यही कहते थे कि इंसान का हर चीज़ से रिलेशनशिप बनता है, यानी सीइंग और जजिंग का, तो ये चीज़ वो प्रपोज करते थे। उसके बाद आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म भी इब्राहिम माज़लो और कार्ल रोजर्स की है थ्योरी, और ये नाम इब्राहिम माज़लो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिज्म में, और ये एमसीक्यूज़ भी बनता होता है। तो इसमें वो ये कहते थे कि इंसान वो इस चीज़ पे बेसिकली ना बिहेवियरिस्ट और साइको एनालिस्ट जो थे उनकी थेरीज पे अनकंफर्टेबल थे। वो कहते थे कि ये जो है बिहेवियरिस्ट कहते हैं बिहेवियर स्टडी करो, साइको एनालिस्ट कहते हैं अनकॉन्शियस करो, वो कहते हैं इंसान किसी चीज़ का मोहताज नहीं है बल्कि एक फ्री एजेंट है, वो खुद को खुद कंट्रोल कर सकता है। ह्यूमनिज्म ने सबसे अच्छी थेरी जो दी थी वो थी कि सेल्फ इंसान अपनी विल पावर से ग्रो करता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ खुद रखता है, वो ईगो आईडी के बीच मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन और अपने ईगो के बीच उसको नहीं फंसा, वो सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है बल्कि वो खुद अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है, वो फ्री विल बीइंग है, यानी वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकता है। इनकी एक यूनिक फॉर्म ऑफ थेरेपी आई थी जिसकी वजह से इंसानों ने अपने मतलब के फुल पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प हुई थी उनको। उसके बाद लास्ट में आया कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म क्या है, वो एडवर्ड टॉलमैन और जीन पियाजेट ने दी थी। जीन पियाजेट का नाम आपने सुना भी होगा और ये इंपॉर्टेंट नाम भी है। और ये लोग कहते थे कि ये 1950s में आ गई थी थ्योरी, और वो लोग कहते थे कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे परसीव करता है, कैसे याद रखता है, कैसे रिकॉल करता है, ये सब उसके मेंटल प्रोसेसेस में होता है। अब इन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि इंसान की किस जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ होती हैं जो एनवायरनमेंट में उसको अडेप्ट करवाती हैं, इन्होंने बहुत से मेथड्स यूज़ किए, इन्होंने इंसानी लैंग्वेज यूज़ की, मैंस की थिंकिंग यानी कि इंसान की जो सोच होती है वो यूज़ की, और फिर उसके अलावा उनकी जो मेमोरी थी वो यूज़ की, इंसाइट देखा, क्रिएटिविटी देखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स देखी, बहुत से प्रोसेसेस इन्होंने यूज़ किए अपनी टेक्निक्स में। तो ये हमारे पास है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। उसके बाद आ जाता है मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी। मॉडल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात की जाए तो हमारे पास है यहाँ पे मॉडल बायोलॉजी, ये है बिल्कुल सिंपल सा इंट्रो, आगे हम लोगों ने पढ़ना है डिटेल, लेकिन ये एक
जर्नल साइकोलॉजी के मॉडल्स हैं। बायोलॉजिकल मॉडल क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल, मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑफ एबनॉर्मलिटी, मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉडल होता है कि किसी भी आप इसमें टारगेट करते हो डेटा क्रिएट करने में जो कि ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई हो सके। मैथमेटिकल मॉडल क्या है कि आप ऐसा बायोलॉजिकल मतलब कि आपके पास ऐसे सिस्टम होना चाहिए जो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको वही ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई हो सके। उसके बाद आपके पास क्या है, मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसमें आप यूज़ करते हो नॉन ह्यूमन स्पीशी की, आप में इंसान इस्तेमाल नहीं करना उसके साथ, मतलब आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत से होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके एनिमल्स, आपके प्लांट्स, कुछ भी आप यूज़ करो और टेक्निक को अप्लाई करो। उसके बाद आपके क्या है, दूसरा है आपके पास मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। एबनॉर्मलिटी मॉडल्स क्या है, जिसमें आप मोड स्विंग्स, डिफरेंट आपको डिजीजेस आ जाती हैं, आप उसमें वो देखते हो, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल मॉडल में है। साइकोडायनामिक मॉडल, अब साइकोडायनामिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिगमंड फ्रॉयड जो थे इन्होंने दी थी, और सिगमंड फ्रॉयड की ने जो कहा था वो कहते थे कि मेंटल इलनेस जो होती है एडल्टहुड में वो आपकी क्या होती हैं कि कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, मतलब कि आपके चाइल्डहुड में ऐसे कुछ याददाश्त आपकी मतलब चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी मेंटल इलनेस की तरफ आपको लेके जाती हैं, ये साइकोडायनामिक मॉडल में कहा था। कॉग्निटिव मॉडल क्या है, कॉग्निटिव मॉडल ये कहता था कि ये सब हम लोग पढ़े रिएक्शंस और जो आती हैं आपकी चीज़ें रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसको ये मॉडल्स डिस्क्राइब कर रही हैं। जो कॉग्निटिव मॉडल था वो कहता था कि आपकी डिस्टॉर्शंस जो होती हैं मतलब वो जनरलाइज है, मतलब अगर आप कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे हो तो वो जनरलाइज है, आपके इरेशनल बिलीव्स हो सकती हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपके घर का कोई मसला हो सकता है। वो कहते थे कि आपके जो है एक जर्नल, आपका पूरे जर्नल बॉडी रिएक्ट कर रही है, इस वजह से आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा, आप इसलिए एक चीज़ में डिस्टॉर्ट हो रहे हो। मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी जो है वो ये कहते था कि सबसे पहले आपके पास जो मेमोरी होती है वो होती है सेंसरी रजिस्टर कहा जाता है, जो कि 30 सेकंड्स के लिए होती है, 5 to 9 आइटम्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो। STM भी कहा जाता है, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की, आप ये आप जाते हो किसी मूवी देखने के लिए, मूवी देखने के लिए जब आप जाओगे तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सीट के लिए टिकट लोगे, आपके ऊपर सीट का नंबर लिखा होता है, आप घर आओगे आपको सीट का नंबर याद नहीं होगा क्योंकि आपने बिल्कुल थोड़े सेकंड के लिए दी, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आपको कोई मेमोरी, ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता था कि अगर आपने कोई बिल्कुल सेंसरी रजिस्टर है उसको आपने लाना शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, तो आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी लॉन्ग टर्म में जा सकती है। तो ये मॉडल ये एक्सप्लेन करता था। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल ये बताता है कि अगर आपने किसी एक बंदे को किसी डिजीज़ से बचाना है तो आप उसको मोटिवेट करोगे। आप वो कहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करो ताकि वो आपके पास जो हार्मफुल डिजीज़ हैं उससे बच सकें, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक लोगों में सबसे ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, तो आपके पास एड जा रही होती हैं, डिफरेंट लोग आपको प्रमोट कर रहे होते हैं लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल यूज़ करें और आप डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो ये आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल में आ जाता है। उसके बाद आपके पास है लास्ट टॉपिक, वो है रीसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी। रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं साइकोलॉजी के, सबसे पहले मैंने इसमें चार लिखे हैं, और भी वैसे बहुत से ट्रेंड्स हैं जो आपको समझ में आए आप इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले है अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी है, मैंने पब्लिक पॉलिसी लिखी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी लिखी है और रिसर्च लिखी है। आप इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी मैंने पहले बताया था, जो आप इंप्लीमेंट कर सके आप मार्केटिंग में कर सकते हैं। मार्केटिंग में कैसे करेंगे, मार्केटिंग में ऐसे करेंगे कि अगर आपको पता हो कि फलां जगह की में इस चीज़ की कमी है और यहाँ के लोग इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो आप वही प्रोडक्ट्स बनाओगे, उसी रेंज में बनाओगे, वही सप्लाई करोगे, आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सेम इसी तरीके से कि आपकी इंडस्ट्री को पता होगा कि यहाँ के लोगों में ये चीज़ें, तो हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहिए, वहाँ ये चीज़ नहीं यूज़ होगी तो हमें वहाँ ये सेल करनी चाहिए, तो आप अपनी मार्केटिंग इंप्रूव कर सकते हो। हेल्थ साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑनकोलॉजी में। ऑनकोलॉजी क्या होती है, कैंसर की ब्रांच है, कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है साइकोलॉजी की, उनकी काउंसलिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनको काउंसिल किया जाए कि जो कुछ हो रहा है वो एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह उससे वो गुजर जाएंगे। फिटनेस प्रोग्राम में यूज़ की जाती है, इसके अलावा एजुकेशनल सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कुछ ऐसे कॉलेज स्कूल्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं ताकि बच्चे को क्लास असाइन की जा सके। आर्मी टेस्ट में यूज़ होते हैं, कुछ आर्मी अल्फ़ा और बीटा टेस्ट होते हैं जो कि सोल्जर को उसकी पोजिशन को बताने के लिए कि वो किस पोजिशन में जाएगा, तो ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। एकेडमी में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बेस के ऊपर आपको कुछ मार्क्स अटेन होते हैं। अब तो काफ़ी से जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आप यूज़ करती हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके अलावा आपके इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ करती हैं ताकि उनको पता उनका जो आउटकम है वो ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि उनको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। पब्लिक पॉलिसी क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे
अगर कुछ चल रहा है, कोई एथनिक इशू है, कोई भी इशू है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसको देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो पॉलिसीज़ वैसे नहीं होगी तो वायलेंस आ सकता है, रिबेलियन, वहाँ के लोग रिबेल कर सकते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम लोग इसको जनरल पब्लिक को देखते हुए इसको देंगे कि ये साइकोलॉजिस्ट डेटा जो होता है वो देते हैं, ताकि हम पब्लिक को देखते हुए वहाँ की पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करें। हम इसे डिसेबिलिटीज़ स्पेशली इशूज़ में यूज़ कर सकते हैं, जो वेमेन इशूज़ है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बायसेक्शुअल इशूज़ में यूज़ करते हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या है, ये थे इंस्पायर्ड बाय डार्विन। वो ये कहते थे कि आपके जो होती है, मतलब कि जो नॉलेज और रीजनिंग होती है वो एवोल्यूशनरी होती है, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, आपकी रीजनिंग भी बढ़ती जाएगी, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो उस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं, ये जो हमारे एथनिक इश्यूज चल रहे हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं, क्रॉस कल्चर इश्यूज चल रहे हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं, मोशन को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने गुस्से को काबू कर सकते हो, क्योंकि आप चीज़ों को जितना लॉजिकली समझते जाओगे आप उसको उतना करोगे, क्योंकि ये एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन का मतलब ये सदियों सालों से नहीं, मतलब आप एक चीज़ को कितना इवॉल्व करते हो, कितना मॉडलिंग की तरफ लेकर जा रहे हो, कितना अडेप्ट करते जाओगे, उतना वो चीज़ बेहतर होती चली जाएगी। रिसर्च क्या है, रिसर्च में आप कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि रिसर्च है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी चली जाएंगी, मतलब कि आपको एविडेंस मिलते जाएंगे, आपकी साइंटिफिक अप्रोच होती जाएगी, उतना डेटा रिलायबल होता जाएगा। और इंटरनेट सबसे अच्छी सोर्स है आपको ये सब प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट पे आपको जो साइट एक्सेस करती है, साइकिक इन्फो और एडेक साइट्स हैं जो आपको डेटा एक्सेस करवाती हैं। इसके अलावा आप वहाँ से डेटा कलेक्ट भी कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ हो जाता है, आप क्वेश्चनेयर ऑनलाइन दे देते हो। क्वेश्चनेयर क्या है, क्वेश्चनेयर एक टेक्निक है रिसर्च में, जिसमें आप क्वेश्चन प्रोवाइड करते हो, आप उसमें स्पेसिफिक आंसर्स दे सकते हो कि इसमें येस और नो में या कुछ किसी भी तरीके से, तो वो आपको फिल करके दे देते हैं, सर्वेस करवा लेती हो ताकि आपको डेटा कलेक्ट हो जाए। फिर साइकिक एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, जैसे कि सुपर लैब, वो क्या करते हैं आपको साइट देते हैं जहाँ पे आप अपना सारा डेटा कंपाइल करते हो, मैनेज करते हो, बनाते हो, रिजल्ट्स बनाते हो, फिर आप उसको शेयर भी सेम विंडो में कर सकते हो। इसके अलावा आप सेकेंडरी एनालिसिस भी कर सकते हो, यानी एक बंदे ने ऑलरेडी कोई रिसर्च की हुई है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, दोबारा वो रिसर्च या उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के अंदर लेके जा सकते हो और क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो वो ठीक है या नहीं है, और उसके ऊपर डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। तो और भी आपके पास डिफरेंट ट्रेंड्स अवेलेबल हैं कि आप ट्रीटमेंट क्लिनिकल देखा जाए तो मेडिकल देखा जाए तो वो आप कैसे कर सकते हो। कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हो। और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पोर्ट्स में आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और आपके मतलब कि मेडिकेशंस में इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट आप मतलब कि वर्कर्स यूज़ कर रहे हैं, हर फील्ड में कर सकते हैं। तो आप जो ट्रेंड आपको लग रहा हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए